ये क्या है भाई? तुम्हारी मम्मी आई पार्सल में। एप्पल स्टोर में महंगी होगी ना, लड़के कामयाब हो गए। इतनी महंगी चीज़ ले ली, भीम UPI तो कर दो, ये दिखा रहा फायदा हो जाए। अब अगर इसके अंदर से ईट निकल जाए हाँ, तो हम आज घर से आए थे और ये कहानी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी हमारा कैब ड्राइवर बहुत देर से हमारा वेट कर रहा है कि हम 5 मिनट कह के आए थे, आधा घंटा कर दिया हमने। दिखा दो तू कहाँ आए थे? एप्पल स्टोर मालवीय नगर। सांस में सांस आया होगा ड्राइवर को, उसे देख के तो जाना है। हो जा फिर तो। अभी रह गया था कैब में, अभी कैब में रह गया था और जब गार्ड के पास खड़ा था पूरा ध्यान रख रखा था इसका और एक इसका। अपने तो बच्चे हैं, बच्चे अपने से ज्यादा ध्यान इनका है। अब पता है क्या हो गए? हो गए तेरे दो अनमोल रतन। अनमोल रतन नहीं, ये बब्बा की 10 बीघे जमीन है। यह शहर में ठीक ठाक जगह कमर्शियल जगह 2 प्लॉट मान लो। तो आज क्या हुआ कि हम लोग घर से आ रहे थे, मैं और रचित, क्योंकि कल शूट है हमारा, बहुत सेक्सी शूट है, पता चल जाएगा क्या था क्या नहीं था। और हमें अभी आगे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी मेन चैनल के लिए, तो हम जैसे ही आ रहे थे मेरे पे फोन आया, पिछले 2 महीने से वेटिंग में था हमारा लैपटॉप, एप्पल केयर से हमें कॉल आया कि भैया अपना का लैपटॉप आ गया, जबकि मैंने सुबह उससे बात की थी तो उसने कहा था अभी डिले हो रहा है। शाम को ही कॉल आ गया, भैया आपका लैपटॉप आ गया, आपको कल मिल जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद कॉल आया, भैया आज लेना चाहो तो आप मालवीय नगर आ जाओ। और हमारी गाड़ी हाईवे पे ही थी, हमने कहा, मैंने कहा ड्राइवर गाड़ी सीधी ले चलो, वेट तो होता ही नहीं, तो तुरंत ही ले आए। और अब तक बिल भी नहीं आया, टूट टाट गया तो यूं कह देंगे एप्पल वाले हू द फक आर यू। और एक हमारा पार्सल ये यूं कह नहीं, यार क्या है इसमें, मगर टब है उसमें, टब मंगाया ऐसा, ये सब धोने के लिए ना, ये मैट वगैरह पानी वाला टब, या खुद लाना चाह रहे तुम उसमें? यहाँ के इतनी जुबान क्यों बोले? एप्पल केयर पर तो मून 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 कर रहे थे। कुछ बता दो इसके बारे में, मैं तो पता नहीं कहना। बस यार ये नॉर्मल लैपटॉप की तरह नहीं है, मान लो नॉर्मल तो ऐसा भी खुला है, ये पीछे को टर्न हो जाए, देखो लक्ष्य करके दिखाएंगे एक बार, टक्की आवाज आएगी। इंडिया में कितने आए रोज हमारी कस्टमाइजेशन है नहीं है हमने 19 जनवरी को बुक किया, अक्षित का एक दोस्त था एप्पल में उसके थ्रू, क्योंकि अगर आप एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से करोगे तो आप देखोगे ना, अगर तुम कोरा वगैरह पे पढ़ोगे तो पहले वहाँ 8 वीक की डिलीवरी दिखाएगा, लेकिन वो एक्सटेंड होते चल जाएगी, कम से कम 3 महीने से पहले तो आपको मिलना ही नहीं। तो अक्षित ने कहा कि उसका एक दोस्त है तो जल्दी दिलवा देगा, वो घर पे ही आया पेमेंट लेने, हमने कार्ड स्वाइप कर दिया है, 3,70,000 रुपए हुए थे उस दिन। पहले आया वो 2 लाख रुपए लेने, फिर उसने कहा सर होने का नहीं, बुक सारे देने पड़ेंगे आपको, तो 3,70 हो गए पूरे। उसके बाद उसने कहा मैं आपको फरवरी की डेट दे दूंगा और आपको मिल जाएगा फरवरी में, और ऑलरेडी हर्ष का फोन भी हमने वहीं से ही लिया था। उसके बाद भाई पूरे महीना हो गायब हो गया, उसने कोई अपडेट नहीं दी, फरवरी चली गई। उसने कहा आपका 9 मार्च को आ रहा है, जब 9 मार्च पास में उसने कहा आपका 14 मार्च को आ रहा है, जब 14 मार्च आई मैं यहाँ पे चला गया DLF वाले यूनिकॉर्न में गया, मैंने उन्हें कहा भाई ये कैसा ऐसा बंदा है, कह रहे सर हमारे यहाँ तो कोई ऐसा बंदा काम ही नहीं करता। मेरे होश उठ गए, मैं था और ढाका था, ये तो एप्पल वॉच खरीदने लग रहा था वहाँ, हमारे उठ गए होश कि मैं मैनेजर से बात करने लगा, तो मैनेजर इतना बदतमीज साला बात ना करके दे। अब मुझे भी लग रहा, मैंने कहा 13 तारीख है कल लैपटॉप आने वाला, मैं इसे कुछ कहूँ यहाँ पता लगा डिलीवरी कैंसिल हो जा। फिर बड़ी मुश्किल बातचीत हुई, मैंने जो पेमेंट लेने वाला बंदा आया था मैंने उसकी वीडियो बना रखी थी और मेरे पास नंबर था, मैंने वो दिखाया तो बड़ी मुश्किल उसने हाँ किया, हाँ है 2 दिन में आ जाएगा आपका लैपटॉप। भाई मेरे तो अरमान टूट गए, मगर ये पैसे गए हैं भगेंगे सारे। उसके बाद मैं घर चला गया होली पे, मैंने उसे 15 तारीख को फोन किया, कहने लगा सर 17 को आएगा, 17 को फोन किया कह रहा सर 19 को आएगा, अब 19 की सुबह मैंने उसे फोन किया कह रहा सर 21 को आएगा पक्का, मैं उसको गाली वाली बक दी, मैंने कहा भैया जो तुम चूतिया बना रहे हो तुम स्कैम है, तो मैं कहा तू बता देना ऐसे कि स्कैम है तुम्हारे बस की नहीं है, कह रहा सर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, एप्पल से डेट एक्सटेंड हो रही है, मैंने कहा तुमने 1 महीना कहा था 2 महीने कर दिए, और मैं तो सोच लिया था मैंने कहा लैपटॉप आना नहीं है, ये खुश हो रहे थे बहुत बहुत तगड़ा कस्टमाइज करवा दिया। मैं रचित को भी यूं कह रहा गाड़ी में बैठा हुआ, मैंने कहा इससे बढ़िया तो वैसे ही ले लेता बेस मॉडल ले लेता, जब तो यूं कहता है नहीं पूरा मैक्स लेंगे इंडिया में, अकेला होगा किसी के पास नहीं है और एक नंबर की एडिटिंग होगी होगा मुझे अब मुझे लग रहा था
मेडिकल गुरु जी के पास तो होगा, गुरु जी के पास भी मुझे लगता नहीं ये वाला है सेम कस्टमाइजेशन किसी मैंने जो देखा शायद टेक बर्नर के पास है और मुंबई का निकल के पास है। और क्या कस्टमाइजेशन है हमारी? हमारी 64 GB रैम है, मेमोरी जो कह और 1 TB है, और मतलब अगर वो 32 और 16 में आवे बेस, अगर तुम 64 भी करवा तो कस्टमाइज होगा। अगर एक भी चीज करवा रहे ना तुम एक्स्ट्रा तो कस्टमाइज होगी, तो फिर शोरूम पे कहीं पे नहीं मिलने का। 16 inches 10 core और 30 core GPU वाला है। अगर कुछ भी एक्सटेंड कराना तो 8-10 हफ्ते एक्स्ट्रा लेंगे। और दूसरी चीज ये है कि एप्पल आपको कोई अपडेट नहीं देता कि एक्चुअल आपका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंच गया। वो जिस दिन वेयर हाउस पाएगा ना तभी आपको अपडेट मिलेगी। फिर 19 को क्या हुआ, हम गाड़ी में थे, मैं ये गाड़ी में थे, घर से आ रहे थे, और मैं रचित को कहने लग रहा, मैंने कहा भाई मुझे लग रहा है स्कैम है, तो गाली सुना दी भाई। जैसे ही नहीं कहा गाली सुना दी, उसका फोन आया, एप्पल लिखा हुआ इसके कॉन्टेक्ट में, मका पता नहीं आया कहीं हो गई, ये बात कर रहा उस पर मुझे ये सुनाई दिया कि भाई तुम्हें तो आज लड्डू खिलाऊंगा। ये कह रहा हंस रहा हूँ, सर आ गया आपका लैपटॉप, मैं सुबह तो तुमने गाली खाई मेरे से, इससे बढ़िया सुबह ही क्या देता आ जाएगा। फिर मैंने नहीं वेट किया, कह रहा सर दिल्ली में आ गया कल मिलेगा, मैंने कहा भाई कल वाल कुछ नहीं, हम तो सीधे दिल्ली आ रहे थे, रात के 9 बजे थे। हाँ अच्छा, पर बेकार था एक्सपीरियंस यूनिकॉर्न स्टोर का तो, स्पेशली बहुत बिहेवियर उनका और उनका वो चूतिया है तो एक नंबर के, उसमें मैं तोड़ रहा। मतलब मैं बताऊं, अगर मेरे यहाँ कोई ऐसा कस्टमर हो ना जो जिसने ऑलरेडी 3-4 लाख के प्रोडक्ट या 10 लाख के परचेज कर रखे हो और अब फिर वो 4 लाख का कोई प्रोडक्ट ले रहा, तो एटलीस्ट यार तुम उससे कांटेक्ट में रहोगे, तुम उसकी कुछ बात सुनोगे। यहाँ का तो बहुत चूती एक्सपीरियंस था। एप्पल को टैग मार दिए इसमें या इसमें ना, अपलोड की रजिस्ट्री कर दो जो उन सभी लैपटॉप चला हुआ और जिसके हाथ से भी गिरा। अच्छा जब तुम 3-4 लाख रुपए इसके दे सको, अगर मैं किडनैप हो गया तो मेरे कितने रुपए दे सको? 0। रचित के मैं 10-12 हजार से ऊपर नहीं देगा, एक भी नहीं दूं, कह दूंगा फोन करके रचित बच के भागा जाता हो तो भाग ले। देख इससे मुझे भी थोड़ा सा फोटोशॉप सीखना, उसके बाद तो इतने बिंदु भाई। इसका इंश्योरेंस नहीं हुआ अब तक भी। अच्छा एप्पल केयर मुझे ऐसा लग रहा मेरे हाथ से धड़ सी गिरेगी। कोई नहीं, एक एक दुकान में चौथाई हिस्से में अपनी कुर्सी भी छालू मैं आगे, इतने पड़े मंगा लिया फिर वो देख रही है स्पेसिफिकेशन हमारे पास बुला रहे हो। अच्छा रचित इसकी सेटिंग खोल एक बार जल्दी। हाँ देख तुझे इसकी एक बात दिखाऊंगा, भोसड़ी वाला हर चीज का ओनर बन के बैठ जा। देख यू कर दिया आईडी लॉगिन इसमें, अगले 6 महीने किसी वीडियो का पेमेंट नहीं हो रहा, हर व्लॉग चैनल में से कोई हिस्सा नहीं दिया जा रहा, सब यही कट रहा, कट हो गया था सब्सक्रिप्शन है इस लॉगिन करने का। इसमें तो नहीं चलने का रॉकेट लीग, मजा नहीं आने का, मतलब चल ले भाई चलेगा कुछ ही चला ले, खेल सकूं इसमें मैं खेलूंगा। हम इस पे गीकी बेंच ही कर रहे अभी एक टेस्ट। अरे इतना तगड़ा ना बता, मैं यूं कहता परफॉर्मेंस का कंपैरिजन है। बेंचमार्क अब इसमें हम बेंचमार्क रन कर रहे हैं, ये हमारा पीसी है, 32 GB रैम है, 512 GB SSD है और 2070 रे ट्रेसिंग वाला GPU है, Ryzen 9, तो दोनों में Geekbench रन करेंगे। लेकिन जब तक ये रन हो रहा मैं बता दे रहा कि हमने क्यों परचेज किया, हमें शॉप वॉफ का तो कुछ था नहीं, देखो वैसे भी इतनी महंगी चीज का तुम क्या ही शॉप करोगे, लेके तो कहीं घूम नहीं सकते। मेन चीज ये थी कि हमारा जो पीसी है ना वो एडिटिंग में बहुत लैग कर रहा था जब हम कैमरा से 4K में शूट करते थे, तो इसीलिए जो हमारा सोनी का कैमरा है Alpha S7 III है ना शायद, सोनी A7S, तो जो हमारा कैमरा है उसकी जो 4K में हम शूट कर रहे थे तो वो ये पीसी रेंडर करता हुआ एडिट करता हुआ बहुत लैग करता था, मतलब 1 सेकंड का लैग तो रहता ही था हर क्लिक पे। लेकिन अब ये तो अभी तो स्मूथ चल रहा, जब ये आया ना तो ये कह रहा कि अगर इसमें भी लैग हो गया, मगर अगर इसमें लैग हो गया तो उसके बाद तो हिमाचल में सन्यास ही ले लेंगे। 3 किलोमीटर दूर सही लग जाएगा बताओ, ये सिस्टम तक काम करते हो अपने वहां तक वाला, ये है एग्जैक्ट स्कोर। इसका सिंगल कोर है 1776, इसका है 12,000 समथिंग, टी कोर 10,000 समथिंग है और ये 1200 कुछ, तो ज्यादा फर्क है नहीं, गीक बेंच में इतना फर्क काफी बैठा है। मेन फर्क तो हमें जो था, हमें प्रीमियर प्रो से लेना था, फाइनल कट प्रो सीख रहे ना, 3 महीने का डाउनलोड कर दिया पहले कली। अब हाँ इसीलिए मैकबुक लेने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि अब हम ज्यादातर ट्रैवल व्लॉग्स बनाएंगे, बाहर जाएंगे और मैकबुक लेके जाया करेंगे और अपना वही शूट करी मेन चैनल की वीडियो, वही कर दी एडिट और रेंडर, और ऐसे ही साथ साथ डेली व्लॉग्स डालते रहे। कभी रात को चौधरी साहब की आंख खुली, चौधरी साहब ने एडिट मार दी, क्योंकि मैं अभी एडिट मैं हल्का सा मैं स्लो हूँ, आती है मेरे से बट मैं बहुत स्लो हूँ, लेकिन ये दोनों तो ठीक है, बड़ी एडिटिंग करते हैं डागा भी और ये भी। एक बात बता, यो हमारे तो किसी काम का है नहीं, इसमें एडिटिंग होगी, एडिटिंग कौन करे, तू करे, पैसे पूछे कुछ नहीं, 2-1 साल लो, जब लो बैलेंस नहीं होता प्राइस, अब अपना बेस्ट दे दे, पैसे भी ला दे, कैसा करा, देख चौधरी साहब करेंगे, चौधरी साहब है फ्लेक्सिबल। अब बता टूट गया चौधरी साहब का राइट हैंड हल्का सा कमजोर है, बचपन में 2 बार प्लास्टर हो चुका, लेफ्ट ही मारा है, लेफ्ट ही हुक, तभी तो लेफ्टिस्ट है, खिंचगी नस, तू इग्नोर क्यों कर रहा मेरी बात, लेफ्टिस्ट है क्या तू? हाँ ना मेरा राइट हैंड पक्का, ना मेरा राइट विंग। मेन क्या चीज है मैकबुक की, स्पीकर कंपैरिजन, ये मंगाए थे स्पीकर JBL, हम
देख अब चलेगा उधम सिंह में। तड़फट गए कान के। और एक हम ट्रिप भी सोच रहे हैं, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग बहुत बुलाते हुए रहे हैं और अभी मौसम भी है, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ होने वाला है अभी अगले कुछ दिनों में, गेस करो, जो सिर्फ वहीं होने वाला और वहीं जाना पड़ेगा उसके लिए। बता दूंगा यार थोड़ा अर्ली है एक चीज पे, एक छोटी सी चीज पे डिपेंड कर रहा हूँ, तो वो एक बार क्लियर हो जाए तो फिर तो पक्का है। हिंट ड्रॉप कर सकेंगे लोग कमेंट सेक्शन में, सोचे तेज बन के कमेंट करो। जब ये आया ना, जब हमारे पे ना नॉर्मल माउस था, ऐसा माउस था, तो उससे पहले एक गेमिंग माउस था वो खराब हो गया था यहाँ लाने में, फिर हमारे पास ये माउस था, तो रे ने पता क्या कहा, 4,000 का माउस दिखा के अमेज़न पे, मैं कहने लगा मगर भाई इससे काम चल जाएगा नहीं चल जाएगा, तो पता क्या करेगा वाला माउस बेची मैंने मंगा दिया भाई, मगर इसके बिना होती नहीं दिक्कत एडिटिंग। उसके बाद अभी से 2 महीने हुए यो आया, मैंने कहा भाई वो माउस लगा ले, कह रहा है यार इसमें तो टाइप सी है, इसमें यूएसबी नहीं, मगर तो वो वाला पोर्ट ले लेंगे टाइप सी टू यूएसबी वाला, तो एक नया 10,000 का माउस दिखा के पता क्या बेची इसके इसके अंदर ही तो पूरी आदत है, कोई भी इसे प्रीमियम चीज खरीदनी हो ना हाँ। तो ये वैसे कह दे तेरी यूज की है हाँ। तो आगे खुद यूज करे, ये स्पीकर है ना, ये स्पीकर भी मैं तो भाई बढ़िया बजा रहा था, मैं तो एक में ही घुस, इतना सामान ऐसा है जो हमारे किसी यूज का नहीं है, इसने हमारा चूतिया बना के मंगवाया, इसके साथ वही माउस काम कर ब्रेन वॉश मारे है ना। इसे यूं कहा था पीछे टांगने वाला बैग मंगवा ले, इसका कैमरा रही दोनों एक साथ आ जाएंगे, लेकिन बाबूजी ने वो मंगवाया सिंस डे वन ना, यो इन्हें देख रहा था अमेज़न पे, और मुझे पता था मैं इसे कुछ भी कह लू, कुछ पता क्या कह था, बेची 1,000 रुपए का वो 3,000 के, मैं 4,000, इन्हने हर तरीके से यो ही मंगवाया क्योंकि इसे यो लेके चलना लेकिन इसका फायदा क्या है, अच्छा है ना इसे ऐसे ही कैरी करना पड़ेगा ना, अच्छा ये प्रीमियम लग रहा भाई बाहर से देखने, बता प्रीमियम है, लैपटॉप बचा होगा अपना, अगर यो गिर पड़ा हाथ से तो लैपटॉप भी है, यो भी है, कीचड़ में गिर पड़ा छप बता, तो वैसे किसी बैग में गिर जा तो तू भी गिरेगा ना, वो जब पीछे टंगा रहेगा। तो ये अब तक की सबसे पावरफुल मशीन है एक तरीके से, अगर आप वीडियो एडिटिंग देख रहे हो या म्यूजिक एडिटिंग देख रहे हो या कैसे भी हर तरीके से, और दूसरे इसका फायदा आप कहीं पे भी लेके चले जाओ। बट अभी पीसी भी हम लोग यूज में लेंगे क्योंकि रिएक्शन वीडियो वगैरह शूट होती है पीसी के ऊपर भी, और पीसी का अपना अलग मजा है, इसका अलग मजा है और इसका अलग सीन है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हम एक सारे जितने हमारे पास गैजेट्स हैं हम कैसे यूज करते हैं, मैं क्या यूज करता हूँ, हर्ष क्या करता है, रचित क्या करता है, कैसे वीडियो पूरी एडिट होती है, एक पूरा व्लॉग बना सकते हैं उसके ऊपर, अगर किसी को देखने में इंटरेस्ट हो, अगर किसी को चाहिए तो बता देना।